विद्यार्थी मित्रों, स्वागत है आपका संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के इस चैनल पे। जैसा कि मैंने कहा था, दूसरे वीडियो में हम छंद की लक्षण उदाहरणों की बात करेंगे। आज दूसरी कोई चर्चा छंदों के बारे में नहीं, सबसे पहले हम देखते हैं श्लोक यानी अनुष्टुप छंद, क्योंकि संस्कृत साहित्य में सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग हुआ है। रामायण हो, महाभारत हो, जहाँ भी हम देखेंगे सबसे ज़्यादा यही छंद पाया जाता है। वैदिक काल से ही ये छंद चला आ रहा है। इसकी विशेषता होती है कि इसमें आठ आठ वर्ण के चार चरण होते हैं। फिर से सुन ले, आठ आठ वर्ण के चार चरण होते हैं। इसका लक्षण है श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम् सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुःपादयो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्ययो। देखिए, यहाँ गणों को नहीं देखा जाता है। श्लोक छंद ऐसा है जिसमें खाली हमें पांचवा, छठा और सातवां अक्षर, इन पे ही ध्यान देना है। तो कहा है कि अनुष्टुप छंद में जो छठा अक्षर है वो हमेशा गुरु होना चाहिए। श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम्। आगे कहते हैं, और पांचवा अक्षर जो है वो हमेशा लघु होना चाहिए। एक दो तीन चार तक के अक्षरों में क्या है उस पर हमें ध्यान नहीं देना है, लेकिन पांचवा अक्षर जब आएगा तो वो हमेशा कैसा होना चाहिए? लघु होना चाहिए। और छठा अक्षर हमेशा गुरु होना चाहिए। और दूसरे चौथे चरण में सातवां अक्षर लघु होना चाहिए, बाकी बचा पहला और तीसरा, उसमें गुरु होना चाहिए। ये है, बहुत सारे श्लोक हैं, कोई भी श्लोक लें। गुरु ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मात्राएं लिखेंगे तो पांचवें पे लघु, छठे पे गुरु, सातवें पे पहले और तीसरे में गुरु, और दूसरे चौथे में लघु, ये इसका क्रम रहेगा। एक और उदाहरण देखते हैं, कालिदास का रघुवंश का श्लोक है। वागर्था विव संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, सभी को याद होंगे। वसुदेव सुतम देवम कंस चाड़ूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अनुष्टुप के बाद एक दूसरा छंद देखते हैं। छंद है उपेंद्र वज्रा। उपेंद्र वज्राय जत जास्ततो गो, जहां जगण, तगण, फिर जगण और गुरु हो वहां उपेंद्र वज्रा होता है। यहां दो गुरु पाए जाएंगे अंत में, क्योंकि उपेंद्र वज्रा जो है उसमें 11 वर्ण के चार चरण होते हैं। 11 वर्ण के चार चरण होते हैं, तो हम क्या देखेंगे? जगण, तगण और फिर जगण और अंत में दो गुरु, तो तीन तीन के तीन गण, तीन गुणे या तीन 9 हो गए और अंत में दो गुरु। उदाहरण है त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव। एक दूसरा इंद्र वज्रा। स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौगा, जहां दो तगण हो, एक जगण हो और अंत में दो गुरु हो, ये भी उपेंद्र वज्रा की तरह 11 वर्ण का छंद है, तो इंद्र वज्रा होता है। उदाहरण है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव।
इन दोनों छंदों को मिला करके उपजाति छंद बनता है, जिसकी अपनी कोई जाति नहीं है और जिसमें दो छंदों का मिश्रण होता है उसको उपजाति कहते हैं। अनंतरो दीरित लक्ष्म भाजौ पादौ यदि या उपजाते यस्तः, उपजाति का ये लक्षण है। उदाहरण के लिए महाकवि कालिदास ने रघुवंश का जो दूसरा सर्ग है गौ सेवा का, वो पूरा उपजाति छंद में लिखा है। अलं महीपालत वस्त्रमेण प्रयुक्तमप्यस्त्रमितो वृथा स्यात् न पादपोन्मूलन शक्तिरंहा शिलोच्चये मूर्छति मारुतस्य। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हो सकते हैं क्योंकि पूरा सर्ग है, इसके अलावा भी बहुत ही प्रचलित है, हम ऐसा भी कर सकते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव श्रीनाथ नारायण वासुदेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे। यहाँ उपेंद्र वज्रा और इंद्र वज्रा इकट्ठे होंगे तो उपजाति छंद बनेगा। धन्यवाद। अगले कुछ छंदों के लिए दूसरा वीडियो देखें।